गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस एन चौधरी, आवर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग मीन्स यूनिवर्स। ये आपकी साइंस की बुक है, इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार के मैटर हैं, जितने भी ऐसे ग्लास है, बेंच है, बुक है, पेन है, पेपर है, ईट है, फैन है, जितने भी सब्सटेंस हैं, सब के सब मैटर है। इसी को पहचानना है कि कौन से मैटर हैं और कौन मैटर नहीं है। यूनिवर्स जो आपके पास, जो यूनिवर्स जानते हैं, यूनिवर्स में केवल दो चीज़ है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी दो ही चीज़ हैं पूरे यूनिवर्स में। इसी में आपको छांटना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा एनर्जी है। यहाँ पर दिया गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बने होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको कल्पना करना है तो प्रयास करिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके बीच में आपको जगह कहीं दिखता है? पानी के बीच में आपको जगह कहीं दिखाई पड़ता है? लेकिन जब चीनी आप डालते हैं तो उसी के बीच में, या नमक डालते हैं तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में नमक या चीनी के पार्टिकल शिफ्ट हो जाते हैं, उसका मालूम भी नहीं पड़ता है, केवल उसकी डेंसिटी बढ़ती है। मालूम का मतलब कि जितना आपके पानी, मान लिया पानी 1 लीटर है तो वो उससे अधिक नहीं होगा। हाँ, अगर उसका भार 900 ग्राम था तो भले 100 ग्राम चीनी मिलाने के बाद में 1 किलोग्राम हो जाएगा। पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत छोटा सा एक जो है आपके पास, ये बहुत छोटा सा आपके पास एक्टिविटी, इसको आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। अभी मैंने कहा ना कि वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप जो मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे लेवल जो है वाटर का चेंज नहीं होता है, साल्ट उसी में डिजॉल्व हो जाता है। पार्टिकल कितने छोटे हैं इसका अनुमान यहाँ पे एक पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से लगाया जा रहा है। आप लोग को शायद ना पता हो, लेकिन पहले जो है लाल दवा के नाम से आता था, कुएँ वगैरह में पढ़ता था, ये दवा पढ़ता था जिससे जो है छोटे छोटे कीटाणु मर जाते थे। तो ये थोड़ा सा दवा डालेंगे पूरा कलर हो जाता है, पूरा पानी कलर हो जाएगा। एक पार्टिकल डालेंगे 1 लीटर पानी कलर हो जाएगा, 10 लीटर कलर हो जाएगा। मतलब ये जान लें कितना छोटा पार्टिकल होता है, इससे आप प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे एक दिया भी गया है, देखिए 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, या 1 ml का मतलब होता है 1 cm³। इसको अगर हम बहुत आसानी से आपको समझाना चाहें, आप समझना चाहें, तो अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप गड्ढा खोदेंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यहाँ पे एक इस्टीमेशन दिया गया है, ये जो बीकर ढेर सारे हैं इसमें इसका 10, इसमें का 10 ml, इसमें का 10 ml, मतलब कलर थोड़ा सा आपको देखिए कैसा है। 100 ml वाटर लिया गया, इसमें थोड़ा सा डाला गया, 100 ml इसमें वाटर है, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला गया, फिर इसमें से 10 ml ले लिया गया, फिर यहाँ पर डाला गया, इस बीकर में डाला गया, फिर इसका 10 ml लेके इस बीकर में डाला गया, फिर इसका 10 ml लेके इस बीकर में डाला गया। आप कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, उससे कम डार्क, उससे कम डार्क, सबसे कम डार्क, ऐसे ऐसे जो है। लेकिन पार्टिकल, एक ही पार्टिकल आप डाले तो देखिए असर इसका कहाँ कहाँ से है। देखिए द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी आप देखे हैं, वाटर के मालिक्यूल के बीच में साल्ट के मालिक्यूल शिफ्ट हो गए थे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक किसी बर्तन में टेनिस के ऐसे गेंद भर दें
और ऊपर से अगर आप बालू का बोरी इसमें ला के डालेंगे तो 2 किलो 4 किलो बालू इसके अंदर यहाँ पे सब शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होता है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। फिर देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। पानी ले लीजिए किसी बर्तन में, उसी में कलर डाल दीजिए, वो थोड़ा सा देखेंगे वाटर के पार्टिकल यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वो कलर को अपने साथ लेके जाएंगे, आपको बहुत आसानी से दिखेगा। और आप जान सकते हैं कि देखिए इसमें लिखा है ब्लू कलर लेके आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से सारी एक्टिविटी आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये यूनिवर्स का रूल है। कोई भी दो पार्टिकल है, जैसे लोहा से तोड़ते हैं आप टूट जाता है, कोई भी पार्टिकल अगर उसके बीच में पार्टिकल के बीच में अगर पार्टिकल के बीच में अगर पार्टिकल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गैस होगा, इससे अधिक है तो लिक्विड होगा, सबसे अधिक है तो सॉलिड होगा। मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक सॉलिड में और सबसे कम गैस में, इसको ध्यान रखना। यह एक्टिविटी आसानी से कर लेंगे आप। यहाँ क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका मैं अलग से जो है वीडियो बना के सारे क्वेश्चन का भेज दूँगा, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है, या तो आप देखना चाहो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सा मैटर है, इसे चेयर है। अब इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी मैटर हैं उनमें मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और उसको हम टच भी कर सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना। जैसे चेयर है मैटर है, एयर है मैटर है, लव है नहीं है, स्मेल है नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है ध्यान रखना, स्मेल नहीं है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम है, हेट है नहीं है, एलिमेंट मैटर है, ये थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड ये मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये मैटर है, इसमें ध्यान रखना। यहाँ स्मेल दिया है, स्मेल ऑफ परफ्यूम दिया है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो है कह रहे हैं गर्म भोजन आपको जल्दी से द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड, ये सारे क्वेश्चन बाद में बताएंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस। स्टेट ऑफ मैटर सारी लिक्विड गैस तीन यहाँ पे दिए गए हैं, दो आपको और पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है यहाँ पे देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, दो स्टेट मैटर के और आपको पढ़ने हैं, दोनों पढ़ना है, बाकी आप सारी लिक्विड गैस जान ही रहे हैं मेरे समझ से। अब यहाँ पे अगर सॉलिड को देखें हम तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, इनका मास अधिक होता है, फिर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, इनके पार्टिकल फ्लो नहीं करते हैं, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर लिक्विड स्टेट अगर देखा जाए लिक्विड, तो लिक्विड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसका बालून तो इसका फिक्स होता है लेकिन सेप नहीं फिक्स होता, लेकिन इनमें सेप बालून साइज सब फिक्स होता है, सॉलिड में सेप बालून साइज सब फिक्स होता है, इसमें क्या फिक्स है, बालून फिक्स है लेकिन सेप नहीं फिक्स है। जैसे 1 लीटर पानी है थाली में रखोगे थाली के आकार का हो जाएगा, जग में रखोगे जग के आकार का हो जाएगा, ये लिक्विड के लिए है, लिक्विड के पार्टिकल फ्लो करते हैं इसलिए इनको फ्लूइड कहते हैं, गैस को भी फ्लूइड कहा जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, ये मैटर के ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत फ्री होते हैं पार्टिकल्स, और सारे पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं ये पार्टिकल्स, और इनके पार्टिकल मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसको भी फ्लूइड कहा जाता है, गैस को भी फ्लूइड कहते हैं और लिक्विड को भी फ्लूइड कहते हैं।
जैसे सिलेंडर में भी गैस भरी जाती है, टायर ट्यूब में भी गैस भरा जाता है, तो गैस के पार्टिकल जो है वाल से टकराते रहते हैं और इसीलिए वो जहाँ भरे जाते हैं वहाँ पे प्रेशर ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यूनिट टाइम पे जितना पार्टिकल टकराते हैं वो उसका प्रेशर हो जाता है। फिर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड के बारे में देखिए दिया गया है, सॉलिड के पार्टिकल कितने पास पास में हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं और गैस के पार्टिकल फ्री हैं, बहुत दूर दूर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसके बाद में भेज देंगे हम। कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर के स्टेट को आप बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। आप देखते हैं कि पानी को फ्रिज में रख दिया जाता है तो आइस बन जाता है, आइस क्या होता है सॉलिड होता है, और उसी सॉलिड को अगर आप फिर जो है गर्मी में बाहर निकाल दें तो पानी बन जाएगा, उसी पानी को फिर गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही मैटर के अलग अलग स्टेट हो सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज करने से हो सकता है। यहाँ दिया गया बर्नर है जो यहाँ पे स्पीड लैंप यूज किया जाता है, इसमें स्पीड भरा होता है, बर्नर है, बीकर है, और ये जो है स्टर लिखा गया है, ग्लास राड होता है, थर्मामीटर है कि मतलब कितने टेम्परेचर पर आप गर्म किए हैं, ये आयरन स्टैंड है, ये तो सेटिंग है लैब में रहता है। उसके बाद में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल, मतलब कितने अधिक फोर्स से अपने दूसरे खींच रहे हैं, वो इसका सॉलिड में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इज टेम्परेचर रिमेन टू सेम, नहीं जब सॉलिड मेल्ट करेगा टेम्परेचर सेम हो सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे वाटर के केस में है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है, दोनों है, ध्यान देना। यही यहाँ पर पूछ रहा है वह सॉलिड मेल्ट इस टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट का क्या उसका टेम्परेचर सेम होता है? बिल्कुल सेम है यहाँ पर, लेकिन हर कंडीशन में सही नहीं है। वाटर इज ए यूनिक प्रोडक्ट, वाटर के केस में आपको सही लग रहा है, बाकी सब जगह अलग अलग है, ध्यान देने की बात है। लेकिन वाटर में आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज भी हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट भी होता है। ये यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करने का फार्मूला है कि अगर टेम्परेचर आगे 273 केल्विन है तो इसको आप 273+ ये सब मतलब एक फार्मूला होता है, अगर केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसी में जोड़ देते हैं, और अगर सेल्सियस है तो केल्विन माइनस 273, तो केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए यह है सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल है, अगर सॉलिड से गैस लिक्विड बन रहा है जिसके अगर क्या कहेंगे इसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूज़न, मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलते हैं, और लिक्विड से अगर गैस से बदल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन, क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से अगर कूल होकर लिक्विड बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, ये बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। अब दो कंडीशन और है, एक गैस से सॉलिड में भी आ सकता है और ये सॉलिड से गैस में जा सकता है, तो अगर सॉलिड से गैस में जा रहा है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, और ये गैस से अगर यहाँ पे आ रहा है सॉलिड में तो इसको कहते हैं डिसब्लिमेशन या फ्रॉस्टिंग, दो प्रोसेस। फिर यहाँ पे दिया गया सब्लिमेशन, ये देखिए बर्नर लगा हुआ है, ये कीप है, यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है, इसमें कॉटन है, ये फनल है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है और ये चाइना डिश है। चाइना डिश में दो चीज़ें हैं, अमोनियम क्लोराइड है और साल्ट है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये क्या है सब्लिमेट सबस्टेंस है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट वेपर में चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे NaCl जो साधारण नमक है, NaCl जो हम लोग खाते हैं टेबल साल्ट, वो नीचे रह जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने भी दिया था एग्जाम में कि NaCl और NH4Cl इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो यही प्रोसेस है, इसको गर्म कर देंगे सब्लिमेशन के द्वारा अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन।
फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पिस्टन है या सिलेंडर है, या पिस्टन है सिलेंडर है, पिस्टन है सिलेंडर है, पिस्टन है सिलेंडर। अब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे दूर दूर है, स्टील को तो नीचे कर दिया, इसको दबा दिया तो बालूम कम हो गया। जब ये बालूम है, जब पहले देखो इतनी जगह में था, अब इतनी कम जगह में है, ये बालूम कम हुआ लेकिन प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बालूम कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे और बालूम कम हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, कैसे आप लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस, अभी मैंने बताया ना सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से फ्यूजन किया तो लिक्विड बन गया, मॉडिफिकेशन किया तो जो है सॉलिड बन गया लिक्विड से, फिर लिक्विड से वेपोराइजेशन किया तो गैस बन गया, और कंडेंसेशन किया तो लिक्विड बन गया, फिर सॉलिड से सब्लिमेशन हुआ तो गैस बन गया, और यहाँ पर सब्लिमेशन हुआ तो लिक्विड बन गया। ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ। फिर थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे जो अगला टॉपिक जो है वो है इवापोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस, ये तो इवापोरेशन है। लेकिन इवापोरेशन और वेपोराइजेशन दो चीज़ें होती है। इवापोरेशन जो है वो हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन और इवापोरेशन, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ध्यान से, क्योंकि बार बार ये पूछा जाएगा।